मैं आज आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैं एक अंकल आंटी को जानता हूँ जिनसे मेरे फैमिली टर्म्स हैं और मैं उनके घर पर लगातार आता जाता रहता हूँ। अंकल जो है वो पेशे से टीचर हैं और स्कूल में भी पढ़ाते हैं और वो कोचिंग भी पढ़ाते हैं और वो मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं। जब भी मैं घर जाता हूँ तो आंटी हमेशा मुझे एक शिकायत करती है कि आपके अंकल फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं और कहीं हमें घुमाने नहीं ले जाते हैं, आप अपने अंकल को कहिए कि हमें थोड़ा सा टाइम दें। लेकिन अंकल हमेशा बीच में ही बातों को काट देते हैं और अंकल हमेशा ये कहते हैं कि भाई मेरा रिटायरमेंट जो है वो बिल्कुल पास में आने वाला है और रिटायरमेंट के बाद में तो घूमना ही है खूब सारा और आराम ही करना है, 2-4 साल की बात है, फिर उसके बाद में खूब सारा घूमेंगे। अंकल हमेशा ऐसा ही कहते थे। लेकिन ये किसे मालूम था कि अंकल के रिटायरमेंट के पहले ही अंकल किसी गंभीर बीमारी के गिरफ्त में आ गए और एक बार जब उनको बीमारियां लग गई तो फिर लगातार उन्हें बीमारियां गिरफ्त में लेती गई और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए और एक समय ऐसा आया कि अंकल उस दुनिया को छोड़कर चले गए, पीछे भरा पूरा परिवार वो छोड़कर गए। मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से केवल ये बताना चाहता हूँ कि कल कभी भी नहीं आता है। अंकल ने सोचा कि मैं कल खूब आराम कर लूँगा, लेकिन कल वो कभी आया ही नहीं और उन्होंने अपने आज को भी खो दिया। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो चीज़ों को कल के ऊपर टालते हैं। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, मैं एक्सरसाइज कल कर लूँगा, मैं पढ़ाई कल कर लूँगा। लेकिन दोस्तों ये उस कल की बात कर रहे हैं जिस कल को उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जीवन के अंदर किसी भी चीज़ को कल के ऊपर मत टालो। आप किसी भी चीज़ को जो आज होने वाली है उसको कल के लिए पोस्टपोन मत कीजिए। जो काम एक तय सीमा में आपको करना है उस काम को आप उसी तय सीमा में उसी दिन उसी समय कर लीजिए। देखिए लाइफ में कभी कभी छोटे से पल, कभी कभी लाइफ में एक सेकंड, कभी कभी लाइफ में एक मिनट जो है वो लाइफ में इतने भारी लॉसेस ला देता है और उन लॉसेस की आप कल्पना या कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं और वो लाइफ को तहस नहस कर देते हैं। देखिए मान लीजिए कि किसी को लाइफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली और उस लाइफ में मिलने वाली उस अपॉर्चुनिटी को उस पर्सन ने इनकैश नहीं किया और हो सकता है कि वो लाइफ में अपॉर्चुनिटी वापस ना आए। कई लोगों के साथ में जिंदगी के अंदर ऐसा हुआ है और वो कहते भी हैं कि मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई थी और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को उस वक्त कल पे टाल कर और मैंने उसको खो दिया। देखिए लाइफ में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक लाइफ में टाइमली डिसीजंस और एक एप्रोप्रिएट एक्शंस, इनफैक्ट आई विल से क्विक एक्शंस। यदि टाइमली डिसीजंस और क्विक और एप्रोप्रिएट एक्शंस हो जाए तो लाइफ में सक्सेस तय है। देखिए लाइफ में कई सारे सक्सेसफुल लोगों के किस्से कहानियां आपने सुने होंगे। लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके दिमाग में कभी भी कोई आइडिया इन्वेंट होता है तो वो आइडिया जैसे ही इन्वेंट होता है तो वो उस आइडिया को बिना देरी किए हुए इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसीलिए वो भीड़ से आगे निकल जाते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनकी सक्सेस का कारण ही यही है कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन जो कई सामान्य लोग होते हैं वो आज की चीज़ों को कल पर टाल देते हैं और वो कल उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं आता है। मैं ज़िंदगी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और मैं आपको कुछ सच्ची घटनाएं जो मैंने अपने आसपास देखी है उनको आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक घटना बताता हूँ, पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टैक्स लॉन्च किया इंडिया के अंदर और वो था GST, जिसने पूरे के पूरे व्यापार जगत के अंदर तहलका मचा दिया और छोटे व्यापारी से लेकर और बड़ा व्यापारी जो है वो बड़ा परेशान हो गया कि इस टैक्स को फिलिंग कैसे करें, इसकी फाइलिंग कैसे करें, राइट।
तो पहले कुछ महीनों तक तो लोग डिलेमा में ही रहे कि इस टैक्स को कैसे बढ़ना है। फिर उसके बाद में लोग जो है वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन और इस टैक्स को टालते गए। उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, राइट। देखिए मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की चीज़ों को कल के ऊपर टाल देने से क्या होता है। तो उस GST के अंदर एक प्रावधान था कि रोजाना यदि कोई टैक्स डिले कर रहा है तो 100 रुपये रोजाना उसका फाइन था। एक सज्जन ऐसे थे, मेरे मित्र थे, जिन्होंने उस टैक्स को गंभीरता से नहीं लिया। वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने उस टैक्स को गंभीरता से नहीं लिया और एक महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने, छः महीने इस तरीके से निकलते गए और उनके टैक्स के अंदर लगभग 8 महीने की देरी हो गई। 8 महीने के बाद में उनको एक नोटिस आया और उस नोटिस के अंदर GST डिपार्टमेंट ने एक लंबी चौड़ी जो है वो टैक्स की जो है वो डिमांड निकाल दी। आपने इस एग्जाम्पल से क्या समझने की कोशिश की? यदि वो जो टैक्स कुछ चंद हज़ारों रुपये में ही बन रहा था, वो लाखों तक वो टैक्स चला गया, उसका कारण था कि उन्होंने आज की चीज़ को कल के ऊपर डाला। तो ये एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मेरे मित्र ही हैं जिनके साथ में घटना हुई, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश की। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मेरे एक कलीग हैं, वो मेरे साथ में ही काम करते हैं। उन्होंने अपने बच्चे को, बहुत दुखद घटना है ये, उन्होंने अपने बच्चे को 10th क्लास उस बच्चे ने पास की और उन्होंने अपने बच्चे को, बच्चे ने जिद की और उन्होंने एक उसे 2-व्हीलर दिला दिया। उस बच्चे की स्कूल बहुत दूर थी, हाईवे के किनारे थी। बच्चे ने कहा था पापा को कि पापा मेरी स्कूल जो है वो हाईवे के ऊपर है और बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, पापा आप मुझे गाड़ी के साथ में जिस दिन परचेज की थी उसी दिन हेलमेट दिला दीजिए। पिताजी उस दिन व्यस्त थे किसी काम के अंदर, ऑफिस के काम में वो व्यस्त हो गए और पिताजी ने कहा कि बेटा संडे को जो है मैं आपको हेलमेट दिला दूँगा, अभी आप ध्यान से जाना। बारिश के दिन थे और बच्चा जो है वो दूसरे दिन स्कूल निकला। बच्चे को गाड़ी पूरी तरीके से चलाने भी नहीं आती थी, थोड़ा सा नई गाड़ी थी, बच्चा जोश में भी था, राइट। हाईवे के ऊपर एक ट्रॉले ने उसको टक्कर लगाई, बच्चा टकराया और सिर की गंभीर चोट के कारण उसकी मौके के ऊपर ही मौत हो गई। शायद आप समझ सकते होंगे कि उस मौत का जो जिम्मेदार था, शायद हो सकता है कि उसके पिताजी खुद थे। यदि पिताजी यदि उस दिन की बात को यदि दूसरे दिन के ऊपर नहीं टालते तो शायद वो हेलमेट ला के दे देते तो उस बच्चे की सिर के ऊपर चोट लग जाने से मृत्यु नहीं होती। ये ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जब आप चीज़ों को, आज की चीज़ों को कल के ऊपर टालते हो तो ऐसा ही होता है, ओके। एक कहानी मैंने सुनी थी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एक वर्कर था, वो काम करता था और उससे अपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था वो, तो अलग अलग डॉक्टर से मिलने के लिए उनको अलग अलग टाउन्स के अंदर रोजाना जो है वो ट्रैवल करना पड़ता था। ट्रैवल जॉब था उनका, रोजाना बाहर निकलना पड़ता था। तो उन सज्जन ने जो है वो अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा रखा था, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी जान जो है वो रिस्की है, क्योंकि रोज मोटरसाइकिल के ऊपर बाहर जाना होता है तो उनकी जान जो है वो रिस्की है। तो वो लगातार पिछले 10 साल से जॉब कर रहे थे और उन्होंने अपनी एक्सीडेंटल पॉलिसी को हर साल रिन्यू करवाते थे। एक साल ऐसा आया जब वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे तो वो अपनी एक्सीडेंटल पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवा पाए, जबकि लगातार बीमा कंपनी से ये चीज़ आ रही थी कि सर आप अपने एक्सीडेंटल पॉलिसी को रिन्यू करवा लीजिए। उन्होंने वक्त की नज़ाकत को नहीं समझा, आज की चीज़ों को कल के ऊपर टाला और उस कल के ऊपर टालने का नतीजा क्या हुआ आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जब उन्होंने रिन्यूअल नहीं करवाया, खुदा को शायद यही मंजूर था, वो उन्हीं दिनों के अंदर बाहर गए, किसी हाईवे के ऊपर जो है उनका एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट इतना भारी था कि उनकी मौके के ऊपर ही डेथ हो गई। घर वालों ने जब डेथ हो गई और फिर घर वाले जब आपस में मिले तो देख रहे थे कि इनके पास में क्या क्या पॉलिसीज़ वगैरह है ताकि परिवार को कुछ मदद मिल पाए। लेकिन जब एक कागज़ ऐसा हाथ में आया कि वो जो रिन्यूअल था वो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके 4 दिन पहले ही उस एक्सीडेंटल पॉलिसी का रिन्यूअल था। देखिए ज़िंदगी तो लौट कर नहीं आती, लेकिन वो जो 20 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था यदि उन्होंने रिन्यूअल करवा लिया होता तो शायद उनकी मृत्यु के बाद में जो एक अकेले न्यूक्लियर फैमिली के अंदर वो इंसान कमाने वाला था तो वो यदि इंश्योरेंस कंपनी की 20 लाख रुपए की मदद यदि मिल जाती तो शायद हो सकता था कि उनके पीछे उस परिवार को चलाने के लिए शायद वो 20 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो कुछ हद तक मददगार हो सकता था। तो ये जो ज़िंदगी से जुड़े हुए एग्जाम्पल है ये मैं क्यों दे रहा हूँ,
मैं केवल आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आज है वो अभी है, उस पल को जी लीजिए, जो काम आपके सामने उसको कर लीजिए, आज की चीज़ों को कल के ऊपर ना टालें। यदि आप आज की चीज़ को कल के ऊपर टालते हैं तो ये बात तय है कि आप उस चीज़ को टालेंगे तो वो काम पहली बात तो कभी पूरा होगा नहीं, और लाइफ में आपको डिफीट मिलेगी। देरी करेंगे, आज का काम कल के ऊपर टालेंगे तो साथ के साथ आपको स्ट्रेस मिलेगा, तनाव मिलेगा और आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। यदि आप इस तनाव को, स्ट्रेस को, लाइफ को, डिसअपॉइंटमेंट को और डिफीट को यदि रोकना चाहते हैं तो आज का काम आज कीजिए, अभी कीजिए। यदि आज आप समय को किल कर रहे हैं तो समय जो है वो कल आपको पूरी तरीके से किल कर देगा। सो ये बात तय है कि कल कभी भी नहीं आया है। यदि आप सोचते हैं कल के लिए सपने समझोते हैं जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो वो कल कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। कल कभी भी नहीं आता है, कल हो ना हो आज का दिन है, आज जी लो, जियो जी भर के। जय भारत, जय हिंद। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो।